हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही डिलीशियस लौकी के कोफ्ते। वैसे तो इसको बनाना बहुत इजी है, बट कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है ताकि कोफ्ते हमारे बहुत सॉफ्ट बने। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया है और इसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे आधी छोटी चम्मच अजवाइन और साथ ही इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जिंजर पेस्ट और थोड़ी सी इसमें ऐड कर लेंगे हरी मिर्च और आधी छोटी चम्मच इसमें धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे और आधी छोटी चम्मच इसमें जीरा पाउडर ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और आधी छोटी चम्मच इसमें देगी मिर्च ऐड कर लेंगे और अब इसमें ऐड कर लेंगे बेसन। इस बात का ध्यान रखें, बेसन आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और चम्मच से हम इन सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा बेसन इसमें और ऐड कर लेंगे। मैंने इसके अंदर बेसन टोटल एक कप के करीब ऐड किया है। दोबारा से इसको मिक्स कर लेंगे। ये डो हमारा बनकर रेडी है। अब इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और फिर से हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे नमक। इस बात का ध्यान रखें, नमक आप स्टार्टिंग में बिल्कुल भी ना डालें। नमक डालने के बाद इसके हम फटाफट कोफ्ते बना लेंगे। इस तरीके से बॉल की शेप में हम कोफ्ते रेडी करेंगे। यहाँ पर ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। एक एक करके कोफ्ते हम कढ़ाई के अंदर तलने के लिए डाल देंगे। गैस की फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे क्योंकि हाई फ्लेम पे इनको फ्राई ना करें, क्योंकि बाहर से तो कोफ्ते ब्राउन हो जाते हैं लेकिन अंदर से कच्चे रह जाते हैं। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। कोफ्ते नीचे से हल्के से ब्राउन हो चुके हैं तो अब हम इनको पलट लेंगे और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, कोफ्ते हमारे अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सारे कोफ्ते रेडी कर लेंगे। ये कोफ्ते बनाकर मैंने रेडी कर ली हैं। अब हम इसके लिए ग्रेवी रेडी कर लेंगे। इसके लिए हमें कढ़ाई के अंदर 2 से 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इसके अंदर ऐड कर लेंगे 2 रफली चॉप्ड प्याज और साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ और 3 इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे जिसको कि मैंने रफली चॉप्ड कर लिया है और 2 चम्मच इसमें काजू ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच इसमें नमक ऐड कर लेंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच देगी मिर्च पाउडर और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लेंगे और इसका ढक्कन लगाकर इसको हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। इसको पकाते मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, बढ़िया तरीके से ये सॉफ्ट हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको पंखे के नीचे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही ये ठंडा होगा इसको ग्राइंड जार में डालकर फाइन पेस्ट बना लेंगे। फिर से हम कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई के अंदर 4 से 5 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड कर लेंगे और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड कर लेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा और साथ ही इसमें ऐड कर लेंगे कुछ खड़े मसाले। 2 इसमें तेज पत्ते ऐड करेंगे, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 इंच के करीब इसमें दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर लेंगे, 2 से 3 इसमें लौंग ऐड करेंगे। इन सारे मसालों को हल्का सा भून लेंगे। ये मसाले हमारे हल्के से भून चुके हैं। अब इसमें ऐड कर लेंगे आधी छोटी चम्मच देगी मिर्च पाउडर और साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टमाटर जिसका भी मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है और अब इसमें ऐड कर लेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर लेंगे। आधी छोटी चम्मच इसमें जीरा पाउडर ऐड कर लेंगे, थोड़ी सी इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे, 1 पिंच इसमें हींग ऐड कर लेंगे और आधी छोटी चम्मच इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे और अब ऐड करूँगी इसमें थोड़ा सा किचन किंग मसाला
इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ग्रेवी को अच्छी तरह से पका लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच दही। ग्रेवी के साथ साथ इसमें दही को भी अच्छी तरह से भून लेंगे। और अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसको 4 से 5 मिनट पका लेंगे। इसको रखे मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ग्रेवी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। जो पेस्ट बनाकर हमने रखा था वो इसमें ऐड कर लेंगे। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और 2 से 3 इसमें स्लाइस्ड कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। और आधी छोटी चम्मच इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। और अब हम इसका ढक्कन लगाकर इसको 4 से 5 मिनट पका लेंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये देखिए ग्रेवी हमारी बहुत बढ़िया तरीके से पक चुकी है। अब 2 कप इसमें पानी ऐड कर लेंगे। पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं जितनी आपको ग्रेवी रखनी है। पानी डालने के बाद हम इसको 4 से 5 मिनट पका लेंगे। इसको पकाते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें कोफ्ते ऐड कर लेंगे। कोफ्ते डालने के बाद फिर से हम इसको 4 से 5 मिनट पकाएंगे। तो ये लीजिए लौकी के कोफ्ते हमारे बनकर रेडी हैं। ये बहुत ही लाजवाब बने हैं। इसमें ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। तो चलिए अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो मेरी इस रेसिपी को आप मेरे तरीके से घर पर ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी।